जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या सिक्स्थ सेम में हैं, लास्ट उनका ईयर है, रिज़ल्ट आने वाला है, वो इस डाउट में हैं कि उनको बीएड करनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी वगैरह करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि एकेडमिक डिग्री पहले करनी चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री, किस डिग्री को प्रेफर करना चाहिए। तो आपके पास सीधा उत्तर, साफ स्पष्ट उत्तर आ जाएगा। तो दूसरा है कि ग्रेजुएशन के बाद, मैंने यहाँ एक वर्ड लिख दिया है बीएड, इसमें डी एल एड बी शामिल कर सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स भी शामिल करते हैं। दूसरी तरफ एकेडमिक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी है। तो फर्स्ट रूल, इसका फर्स्ट जो आंसर है, ऑलवेज प्रेफर प्रोफेशनल डिग्री। ऐसा क्यों है? आपके पास मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन, जी फॉर ग्रेजुएशन आपने कर ली है, ये आपका ग्रेजुएशन का सफ़र पूरा हो गया। अब दो साल का ये सफ़र जो है आपका, आपने ये सोचना है, ये वाला सफ़र, ये मान लीजिए दो साल का है, ग्रेजुएशन का पूरा हो गया, ये ग्रेजुएशन है, और यहाँ पर दो साल में आपके पास ऑप्शन है, जहाँ तो आप एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, दूसरा आप मान लीजिए बीएड करते हैं। अब दोनों को ही कितने लग रहे हैं? 2 ईयर्स लग रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से दो साल बाद, यहाँ मैं एरो डालने लगा हूँ, एग्जैक्ट दो साल बाद आपके ही सब्जेक्ट की, यहाँ एड भी डाल देना चाहिए, आपके ही सब्जेक्ट की पोस्ट जो है, वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट उसकी आ गई है। अब अगर आपने बीएड की हुई है जहाँ वो प्रोफेशनल डिग्री की हुई है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कई बार 5-5, 7-7 साल बाद आती है, ये भी हमें पता है, और हमारे सब्जेक्ट की जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ वो कब आती है, अगला क्वेश्चन ये भी है। तो आपने मान लीजिए दो साल में बीएड की, दो साल के बाद ही पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो यहाँ आप शामिल हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बात डिफरेंट है कि आपकी तैयारी कितनी है, वो साथ साथ में आप कर सकते हैं, वो गाइडेंस आपकी एस्पिरेशन डिफरेंट है। दूसरी तरफ आपने बीएड ना करके एमए की और पोस्ट एडवर्टाइज हो गई, तो आप लाइन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, लाइन में ही नहीं लग सकते। दैट इज़ व्हाई प्रोफेशनल डिग्री करने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब या उसमें पार्टिसिपेशन की वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बढ़ के जाती है, दूसरी तरफ ना होती है। दूसरी बात है, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने एम ए करनी है, डाउट है, तो ये भी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन और बी एड जहाँ DLED ये साथ साथ में भी हो सकती है। उसके लिए आंसर है कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप, इग्नो है जहाँ स्टेट लेवल की ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप साथ साथ में MA कर सकते हैं। मेरे पास बड़े केस हैं जिन्होंने साथ साथ में MA साइकोलॉजी किसी ने की है, पॉलिटिकल साइंस की है, है ना, वो नॉन प्रैक्टिकल मोस्टली सब्जेक्ट है, तो आप MA वो वाली साथ में, हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ओपन के साथ आप बीएड कर रहे हो रेगुलर, मान लीजिए रेगुलर भी कहाँ रही है, मेरा भारत महान, कौन कौन आता है आपको पता ही है, बीएड में, बीएड आपको रेगुलर डिग्री मिल रही है और साथ में ओपन में आप एमए कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट क्यों बनाया, अगर आप एमए कर रहे हो तो उसके साथ ओपन से बीएड कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बीएड करनी है, नेचुरली है कि वो डिस्टेंस से होगी, वो बहुत कम यूनिवर्सिटी करवाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला करवाती हैं, तो उसके लिए आपके पास दो साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए और कंडीशंस भी हैं उसकी, वो कर सकते हैं, अलग से उसका वीडियो डाल दूंगा। तो एमए के साथ बीएड नहीं हो सकती, ये क्रॉस लग गया, बीएड कर रहे हो तो उसके साथ एमए हो सकती है। दैट इज़ वाई आपको बीएड के लिए, काउंसलिंग के लिए, टेस्ट के लिए, जो एडमिशन के लिए, उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि चैलेंज किस में ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा चैलेंज है उसको पहले पार कर लो, तो वो है कि ऑलवेज प्रोफेशनल डिग्री में चैलेंज जाता हो। प्रोफेशनल वर्ड, इट मीन्स कि आपकी स्किल डेवलप करनी है, आपकी इंटर्नशिप लगेगी, आपकी ट्रेनिंग लगेगी, और उसमें प्रैक्टिकल वर्क की प्रपोर्शन लगभग 40-60 होती है, तो 40% है। एकेडमिक डिग्री में 100% आपका प्रैक्टिकल नामात्र नहीं है, 90-95% वो थ्योरेटिकल ही है, तो वो आप घर बैठे बिना डिस्टेंस के साथ, प्राइवेट के साथ, किसी भी मोड में कर सकते हो ये, लेकिन रेगुलर प्रोफेशनल
प्रोफेशनल डिग्री नॉर्मली जो है लार्ज नंबर ऑफ है वो रेगुलर ही होती है। अच्छा, उसके साथ और भी चैलेंज हो सकते हैं। कई बार आपको प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए, बीएड करने के लिए फॉर एग्जांपल, आपको हो सकता है थोड़ी दूर जाना पड़े, सूटेबल सब्जेक्ट लेने के लिए दूर जाना पड़े। आपको जॉब के लिए एलिजिबिलिटी बनाने के लिए एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल पेपर देने पड़े, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। दैट इज़ वाई बीएड का सफ़र आपको पहले शुरू कर देना चाहिए अगर आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो। और मेजर बड़े पॉइंट है, लेकिन मेजर ये है कि टीजीटी वर्सेस पीजीटी, पहले तो ये पॉइंट है कि आप जॉब में जाना चाहते हो, यस वो तो बात हो गई कि अगर एलिजिबिलिटी बीएड होगी, डीएलएड होगी तभी जॉब में जाएंगे। तो क्या आप दोनों में से कौन सी प्रेफर करोगे? नेचुरली है कि हम जल्दी जॉब में जाना चाहेंगे। जल्दी जॉब में जाने के लिए आपके पास टीजीटी, फॉर एग्जांपल ये है 10th तक के लिए जो आपने टीचर बनना है, कलर चेंज कर लें यहाँ पर, 10th तक के लिए टीजीटी है। तो ये पोस्ट जो है आगे इसकी अगर डिवीज़न बनानी है, कॉमन स्कूल सब्जेक्ट है, मैथ है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ऐसे हैं, तो इनकी पोस्ट लार्ज नंबर ऑफ की होती, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनकी पोस्ट ज़्यादा होगी तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? जी ग्रेजुएशन या बीए, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीकॉम नहीं, बीए और बीएससी है ना, ये ग्रेजुएशन हो गई प्लस आपकी बीएड हो, तो उसके लिए तो आपको, इसके लिए ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ज़रूरत किसके लिए होगी? टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको आप 11वीं प्लस 12वीं क्लास को पढ़ाने के लिए अध्यापक बनना चाहते हो, उसके लिए आपको नंबर एक बीएड भी चाहिए, ये कलर ले लेते हैं, बीएड भी चाहिए और एमए भी चाहिए। और तीसरी बात ये है तो कि बीएड में उसका जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री का लगना है, हिस्ट्री की एमए और हिस्ट्री की पेडागोजी होगी। बीएड में नॉर्मली आप एसएसटी प्रेफर करोगे, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट प्रेफर करोगे। आप पॉलिटिकल साइंस की जगह पर एसएसटी प्रेफर करोगे, ज्योग्राफी की जगह पर एसएसटी प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि उसकी पोस्ट ज़्यादा आती हैं। या दूसरी तरफ साइंस को प्रेफर करोगे ना कि आप फिजिकल साइंस को प्रेफर करोगे। कर सकते हो, आपका पैशन, कर सकते हो आप लाइफ साइंस को कर सकते हो, फिजिकल साइंस को कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर पोस्ट ज़्यादा के लिए जाना है 10th क्लास तक की, वो आपको बीएससी बीएड विद साइंस ज़्यादा करनी होगी। तो उसके लिए एमए एमएससी के लिए बाद में आपके पास चांस है कि आप पहले एलिजिबल हो गए हो, अगर मुझे चांस मिला है तो मैंने तैयारी की और मैं जॉब में एंटर कर गया, मेरी जॉब की यस हो गई, उसके बाद आप पीजीटी के लिए फाइट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये प्रोविज़न पहले से है, बेस बन चुका है, या ज्वाइन कर चुके हो। उसके लिए आपको फिर ओपन स्कूल से या डिस्टेंस एजुकेशन, एडिशनल एमए एमएससी जो भी आपने करना है उसके लिए करके, एडिशनल बीएड के पेपर दे के आप पीजीटी के लिए बाद में फ़ाइट कर सकते हो, है ना। कई बार होता है कि जॉब में इसमें इतना टाइम लग जाता है, आपकी सैलरी वहाँ तक पहुँच जाती है कि आप शिफ्ट नहीं करना चाहते, इसमें फ़ायदा नहीं होता। दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब में एंटर करने के लिए, मैक्सिमम एलिजिबल बनने के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री को गेन करना होगा, तो वो टीजीटी के लिए और आपके सब्जेक्ट की कॉमन जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है उसके एलिजिबिलिटी के लिए है। और कई बार हमें जो है जो एडमिशन भी नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल डीएलएड या ईटीटी और बीएड का कंपैरिजन करें, बीएड की पोस्ट सॉरी जो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं प्री सर्विस की बीएड की, तो वो हैं लगभग 22,000 जैसे पंजाब में हैं, और ईटीटी की सीट्स कई बार जो है आपको एडमिशन नहीं मिलती। और दूसरी तरफ ईटीटी के टीचर्स की रिक्वायरमेंट सारे इंडिया में ज़्यादा होती है। तीसरी बात कि ईटीटी वाले ज़्यादातर वो कवर जो है अपना पीएस टेट है ना, जा टेट है, वो क्लियर कम कर पाते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए अगर आप ईटीटी में भी जाना चाहते हैं तो उसकी सीट्स कम होती हैं। दैट इज़ वाई आपको पहले से प्रोफेशनल डिग्री, बेशक वो डीएलएड है या बीएड है, उसको प्रेफर करना चाहिए। थैंक यू।